हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत सुंदर डिजाइन बताऊंगी। ये डिजाइन 3-3 का मल्टीप्लाई किया गया है और 4 रो में ही कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही सुंदर डिजाइन है। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, फिर आपको पता चलेगा ये कैसे बनाया गया है। ये देखिए किस प्रकार से इसको स्टार्ट करना है। एक फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदे अब हम सिंपल बुनेंगे। 3 फंदे सिंपल बुने, धागा आगे किया, 1 फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे करेंगे और 1 फंदा यहाँ पर स्लिप करेंगे। फिर से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। यही आगे इसी प्रकार से आपको बुनना है। 3 फंदे सिंपल बुने, धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे करें और 1 फंदा स्लिप करें। फिर से 1 फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे। इस प्रकार से आपको ये स्टार्ट करना है। अब देखिए रॉन्ग साइड से, ये 3 फंदे सिंपल बुने जाएंगे। बहुत ईजी है। धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा बुना जाएगा। धागा अपनी तरफ किया और इस फंदे को अभी हम नहीं बुनेंगे, ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और 1 फंदा फिर सीधा बुना। धागा अपनी तरफ किया, 3 फंदे सीधे बुने, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये फंदा नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे। फिर धागा पीछे करके ये फंदा सीधा बुनेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये हमारी सेकंड रो इस प्रकार से कंप्लीट करनी है। अब आगे देखिए, त्रिफंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये फंदा अब भी हम स्लिप करेंगे और इसको उल्टा बुनेंगे। 3 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, ये फंदा स्लिप कीजिए, ये फंदा उल्टा, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, ये साइड, 3 रो कंप्लीट हो गई। अब आगे हमारी 4 रो। 4th रो में भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे। सीधा ये फंदा ऐसे स्लिप करना है। बहुत ईजी है, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। ये देखिए, इसको सीधा बुनेंगे, इसको स्लिप करेंगे। ये 4 रो हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आप पत्ती को लंबा करना चाहें तो आप आगे बुन सकते हैं। अब कैसे करेंगे ये देखिए, ये फर्स्ट वाला फंदा जो है इसको उल्टा बुनेंगे, क्योंकि हमें हम डिब्बी चेंज करनी है। इस फंदे को स्लिप करेंगे और ये फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे। अब ये फंदा उल्टा, ये स्लिप किया, ये उल्टा बुना, ये 3 फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये फंदा उल्टा, ये स्लिप किया और ये उल्टा। अब जैसे यहाँ पर डिब्बी बनी है, अब इसके ऊपर यहाँ पर डिब्बी बनाएंगे।
आगे देखिए, ये फंदा सीधा बुना जाएगा, ये फंदा स्लिप किया जाएगा, फिर धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा बनाएंगे। अब ये फंदे हम थ्री फंदे उल्टे बुनेंगे, ये फंदा सीधा, ये स्लिप किया, ये फंदा सीधा, थ्री फंदे उल्टे, अब इस पर इसी प्रकार से हम फोर रो बनाएंगे। वन फंदा उल्टा, ये फंदा स्लिप करेंगे और ये फंदा उल्टा बनेंगे, ये थ्री फंदे हम सीधे बुनेंगे, ये फंदा उल्टा, ये स्लिप किया, ये उल्टा, ये थ्री फंदे सीधे बुनेंगे। ये स्लिप करेंगे और ये उल्टा बुनेंगे, ये देखिए। अब रॉन्ग साइड से ये सीधा, ये स्लिप करेंगे और ये फंदा सीधा बुनेंगे, ये थ्री फंदे, ये सीधा, अगर आपको आसान लगा तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आप किस किस को ये डिजाइन हमारा आसान लगा। ये देखिए इस प्रकार से बनेंगी। अब फिर से डिब्बी चेंज हो जाएगी, ये डिब्बी हमारी यहाँ पर आएगी और ये डिब्बी यहाँ पर आएगी। इसी प्रकार से डिब्बी पर डिब्बी चेंज करते रहिए और देखिए कितना सुंदर डिजाइन बनकर तैयार होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।